नमस्कार, लेडीज माई चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्रोशिया से और ये बीट्स से ब्रेसलेट बनाएंगे। इसके लिए हमें ये बीट्स चाहिए। ये हमने डोली का 6 प्लाई का धागा लिया है क्रोशिया, और सीजर और नीडल हमें चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने नीडल में धागा डाल लिया है और अपने कलाई के माप के अनुसार हम मोती पिरो लेंगे। इस तरह से हम मोती पिरो लेंगे। इस तरह से देखिए, मैंने मोती पिरो लिया कलाई के माप का, और इधर इतना हम लंबा धागा छोड़ देंगे। इसे हम हल्का सा नॉट लगा के छोड़ देंगे ताकि मोती निकले ना। अब हम क्रोशिया से इसकी बुनाई स्टार्ट करेंगे। इसके लिए देखिए, अब यहाँ हम एक नॉट बनाएंगे। नॉट बनाने के बाद और फिर 3 चेन हम बनाएंगे, 1, 2, 3। अगर आपका धागा पतला है तो आप 4 बना सकती हैं। और फिर ये धागे के बीच से हम ऐसे इसे 2 बार स्लिप स्टिच लगा देंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। और फिर ये मोती हम इधर करेंगे और फिर हम 2 स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर हम 3 चेन लेंगे और मोती अपना इधर ले आएंगे, और इस तरह से क्रोशिया से बंद करेंगे। फिर 1 स्लिप स्टिच ले लेंगे, फिर इधर हम 1 मोती ले आएंगे, सॉरी पहले हमें 3 चेन लेना है, फिर ये मोती ले आना है और इसे इस तरह से बंद करना है। काफी सिंपल है बनाना। चलिए फिर हम बनाते हैं, 1, 2, 3। और फिर इधर से अपना मोती ले आएंगे, दोनों धागा मिला के हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे, पहले हमें 3 चेन बनाना है तब मोती ले आना है। इस तरह से हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, हमारा ये कंप्लीट हो गया मोती। ये देखिए, इस तरह से हमने मोती को पिरो लिया, जो कि काफ़ी आसान था। अब हम दूसरे साइड में आएंगे। ये धागा हमने लंबा अलग रखा है। फिर हम 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3। और 3 चेन लेने के बाद इन दोनों जो 2 स्लिप स्टिच हम बनाए थे उसके बीच में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से, फिर 3 चेन लेंगे और इन दोनों के बीच में स्लिप स्टिच बनाएंगे।
फिर थ्री चेन लेंगे और इन दोनों के बीच में स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से हम ये वाली राउंड कंप्लीट करेंगे। काफ़ी आसान डिजाइन है, तुरंत बन जाने वाला और देखने में भी अच्छा लग रहा है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। दो तीन फिर ये बीच में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ऐसे ही ये लाइन पूरी कंप्लीट कर लेंगे। आप इसमें मूर्ति कम या अधिक रख सकते हैं कलाई के माप के अनुसार। छोटी बड़ी मूर्ति भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसे पूरा कंप्लीट करते हैं हम। ये देखिए अब हम लास्ट पे आ गए। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब हम चेन बनाएंगे जो कि बांधने के लिए होगा कलाई। इस तरह से हम चेन बना लेंगे। मैंने 18 चेन बनाया है, 18 चेन। अब यहाँ धागा काट देंगे हम। अब मैं इस साइड भी 18 चेन बना लूँगी। हमने धागा इसीलिए लंबा इधर रखा था। हमने दोनों साइड धागा ये चेन बना लिया और एक्स्ट्रा धागा को हम काट देंगे। हम चाहें तो यहाँ पे भी एक बीट्स लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से कितना जल्दी हमारा ये बीडेड ब्रेसलेट तैयार हो गया। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, जो कि बनने में काफ़ी आसान है, देखने में उतना ही खूबसूरत लग रहा है। तो अगर ये बनाने का तरीका पसंद आया हो आपको तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।